नमस्कार दोस्तों, पिछले 2 सालों से जो एग्ज़ाम नहीं हो रहे हैं बच्चों को प्रमोट किया जा रहा है। इस बार राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है कि 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा के आवेदन स्कूल स्तर पर ऑनलाइन भरे जाएंगे और बोर्ड परीक्षा होगी जिसके आवेदन ऑनलाइन आमंत्रित किए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आप अपने चैनल को नए तो सब्सक्राइब भी करें और हमें सपोर्ट करें। देखिए न्यूज़ क्या है, आगे बढ़ते हैं कि शिक्षा विभाग ने अर्धवार्षिक परीक्षाओं के साथ 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन की तैयारी अभी शुरू कर दी, यानी अभी तैयारियां शुरू की है। अर्धवार्षिक परीक्षा के साथ साथ 5वीं और 8वीं कक्षा के स्टूडेंट के परीक्षा फॉर्म शाला दर्पण व पीएससी पोर्टल पर भरे जाएंगे और इन्होंने डीओ व इसके संबंध में जो शिक्षा अधिकारी थे उनको निर्देश भी जारी कर दिया है। इसलिए 5वीं और 8वीं कक्षा के बोर्ड के फॉर्म भरे जाएंगे और इनका परीक्षा पैटर्न भी जल्दी जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही स्टूडेंट का नाम है, पिता का नाम है, जो भी जानकारी होती है वो स्कूल स्तर पर सही की जाएगी, क्योंकि कई बार त्रुटियां होने से मार्कशीट में भी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए इन्हें स्कूल स्तर पर शिक्षकों से जो फॉर्म है वो दुरुस्त किए जाएंगे। और इसमें ध्यान रखने वाली ये बात है कि इसमें खासकर 25 लाख स्टूडेंट दोनों एग्जामों में बैठते हैं, तो 25 लाख में लगभग देखा जाए तो 5वीं और 8वीं के 12-12 लाख स्टूडेंट बैठते हैं। इसलिए सरकार ने फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो जल्दी शुरू की जाएगी। और फिलहाल ये प्रस्ताव है जो बोर्ड के, यहाँ देख सकते हैं, फिलहाल अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी चल रही है। 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड के लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजे गए, स्वीकृति मिलने पर इसकी कार्रवाई शुरू की जाएगी और बोर्ड के लिए तैयारियाँ शुरू कर दी जाएगी। ये इसलिए फैसला लिया गया कि निरंतर लगातार बच्चों को प्रमोट किए जा रहे हैं और प्रमोट करते करते शिक्षा का स्तर भी गिरता जा रहा है, इसलिए 5वीं और 8वीं बोर्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। नमस्कार दोस्तों।